हेलो फ्रेंड, वेलकम टू यूट्यूब चैनल फैब्रिकेशन गुरु। तो आप जो ये ड्राइंग को देख रहे हो, तो ये ड्राइंग का फंक्शन है, ये थ्रू आउट ये फुल लेंथ का एक पाइप जा रहा है और ये हो गया एक प्लेटफॉर्म। तो ये जो पाइप है, ये पाइप को ये दोनों सपोर्ट होल्ड करके रखा, इसमें कोई नाट बोल्ट कुछ नहीं लगा, सिर्फ दोनों पाइप सपोर्ट इसको होल्ड करके रखा। ये एक हो गया एक पाइप सपोर्ट, ये हो गया और एक पाइप सपोर्ट। तो इसका फंक्शन तो हो गया, और ये बनता है कैसे, तो देखो ये एक पाइप है और इधर एक पाइप, टी शेप में ये बन गया और इधर कोई एक पैड प्लेट लगा है। तो देखो यहाँ पे लिखा है, ये लिख दिया RF पैड 120 डिग्री इंटू 250, हाँ 250 LG लॉन्ग। तो ये 120 डिग्री में लगेगा पाइप का, मतलब एक देखो यहाँ पे लिख दिया काट फ्रॉम पेरेंट पाइप, मतलब ये जो पाइप है इससे थोड़ा बड़ा पाइप का, बड़ा डाया पाइप का ये 120 डिग्री लगेगा। मतलब एक पाइप का देखो 120 डिग्री कैसे निकलता है। तो मान लीजिए ये एक बड़ा पाइप हो गया, तो इसको आप तीनों शेप में डिवाइड कर दो, तो हो गया तीन तीन शेप। ये एक शेप, ये शेप नंबर वन, ये टू, ये थ्री। तो ये तीनों शेप हो गया 120 डिग्री करके, 120 इंटू थ्री करोगी तो आएगा 360 डिग्री। ये हो गया इसका फंक्शन, 120 डिग्री करके आपको लगवाना होगा और ये बनेगा आपका टी शेप में। और नीचे देखो ये कुछ बेस प्लेट लगा है, तो ये देखो बेस प्लेट, बेस प्लेट का भी साइज दे दिया, प्लेट 300 × 300 10 थिकनेस। ये हो गया बेस प्लेट, दोनों का बेस प्लेट लग गया। और ये हो गया पाइप DN 125, ये हो गया 125 का पाइप। और क्या फंक्शन है, ये देखो 200 250 लॉन्ग बोला, तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है 250। और ये जो वेल्डिंग का सिंबल, ये स्पॉट वेल्डिंग हो जाएगा लगता है, ये पाइप के साथ ये डायरेक्ट वेल्ड वेल्ड हो जाएगा। ये जो मेन पाइप है इसके साथ ये टैकिंग में रहेगा, मतलब वेल्डिंग में रहेगा। और इसमें फंक्शन, और ये जो प्लेट है इसके साथ ये भी, इसको भी नोच काटना होगा, ये पाइप को और ये पाइप को भी नोच काटना होगा। तो अब इधर ये टी शेप का बनेगा और इधर भी टी शेप में लगेगा, तो लेकिन ये 120 डिग्री रहेगा, इधर से 120 डिग्री और ये पाइप जहाँ पे लगेगा वहाँ पे ये दोनों पाइप सपोर्ट जाके एकदम पकड़ लेगा। पाइप सपोर्ट का हाइट दे दिया, देखो यहाँ पे दिया है 270 mm और इधर दिया है 200 mm। और ये ऑयल्ड हो जाएगा, इधर भी ऑयल्ड हो जाएगा, ऑयल्ड का सिंबल दे दिया। और तो कुछ नहीं, यहाँ पे देखो ये फ्लैग टाइप के सिंबल दे दिया, मतलब ये हो गया स्पॉट ऑयल्डिंग। और इधर का लेंथ दे दिया, इधर से 200 mm इसका सेंटर, फिर 200 से ये 300 mm पाइप का सेंटर। और ये हो गया आपका 200, 200 डाया का पाइप, तो 200 डाया का पाइप 300 हो गया, यहाँ से यह तो सेंटर, तो 300 से 120 माइनस हो जाएगा। किंतु दो दो में डायमेंशन देखिए, इधर से 200 mm, इधर से दे दिया 300 mm, तो ये हो गया 200 डाया का पाइप। तो 200 डाया का 10 थिकनेस है पाइप का, तो 10 थिकनेस रहेगा तो 220 हो जाएगा टोटल। तो 220 से 110 माइनस, मतलब यहाँ से 300 से 120 माइनस हो जाएगा, तो अब ये वाला लेंथ आपका निकल जाएगा। अब देखो यहाँ पे लिख दिया रेफर ड्राइंग नंबर, दे दिया सीट सीट 3 और 4। तो ये सीट में ये जो सपोर्ट लग रहा है, ठीक है, वो आपका पोजीशन इसमें दिया है जो कहाँ पे लगेगा। और ये तो लग रहा है एक प्लेटफॉर्म के ऊपर। और ये देखो ये जो सिंबल है, ये भी स्पॉट ऑयल्ड का सिंबल है। और इसका एलिवेशनल हाइट दे दिया 17.350 मीटर और TOS टॉप ऑफ एलिवेशन। और ये ड्राइंग का लिंक आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा आपको, वहाँ से डाउनलोड कर लीजिए। तो थैंक यू, और ये वीडियो आपको पसंद हुआ तो आप जरूर लाइक करिए, कमेंट करिए और चैनल को भी सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।